गुड मॉर्निंग 8th हिंदी मीडियम के स्टूडेंट, आज हम विज्ञान में पार्ट ए फसल उत्पादन और प्रबंधन में आगे पढ़ेंगे खरपतवार से सुरक्षा। अभी तक हमने देखा कि सिंचाई किन किन प्रकारों से की जाती है, तकनीकी तौर पर और परंपरागत तरीके से। आज हम पढ़ेंगे कि भूजो और पहली निकट के गेहूं के खेत में गए और उन्होंने देखा कि खेत में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग रहे हैं। कई बार देखते हैं हम कि खेतों में फसल के साथ कुछ छोटे छोटे अन्य पौधे भी उगाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? खरपतवार। खेतों में कई अन्य अवांछित जो पौधे सही नहीं होते, वे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को ही खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं और जो इसकी प्रक्रिया होती है उसे क्या कहा जाता है? निराई। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। इनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये क्या करते हैं? जल और पोषक और अन्य प्रकाश की जगहों पर रुकावट पैदा करते हैं और फसल ठीक से वृद्धि नहीं कर पाती है। मनुष्य और पशुओं के लिए विषैले भी हो सकते हैं, कई बार ये खतरनाक भी होते हैं जो खाने योग्य उपयोगी नहीं होते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न प्रकार के तरीकों को अपनाता है। इनको अलग अलग तरीकों से दूर किया जा सकता है। फसल उगाने से पहले खेत जोतने से खरपतवार उखाड़ने हटाने में सहायता मिलती है। इससे खरपतवार पौधे सूख कर मर जाते हैं और मिट्टी में मिल जाते हैं। खरपतवार हटाने का सर्वोत्तम समय उनमें पुष्पण बीज बनने से पहले होता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़ कर अथवा भूमि के निकट से काट कर समय समय पर हटा दिया जाता है। कई बार क्या कर सकते हैं हम, उसको आसानी से हाथों से ही हटा सकते हैं। आपने देखा होगा खेतों में जब फसलें उगना प्रारंभ होती है तो किसान क्या करते हैं? निराई करते हैं और हाथों से ही जो फालतू पौधे उसके आसपास उगाते हैं उन सबको हटाते हैं। यह कार्य खुरपी या हैरो से भी किया जा सकता है। खुरपी की सहायता से या हैरो की सहायता से भी इनको हटाया जा सकता है। रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किए जा सकते हैं। इनको खरपतवार नाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दवाई का छिड़काव हो रहा है। इससे क्या होगा? खरपतवार क्या होंगे? हट जाएंगे। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं परंतु फसल को कोई हानि नहीं पहुंचती। खरपतवार नाशी को जल में आवश्यकता अनुसार मिलाकर स्प्रेयर यानी फुहारे की सहायता से खेतों में छिड़का जाता है। जैसा पहले बताया गया है कि खरपतवार की वृद्धि समय और पुष्पण बीज बनने से पहले खरपतवार नाशी का छिड़काव करते हैं। खरपतवार नाशी कि छिड़काव से किसान को स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ सकता है। उन्हें इन रसायनों का प्रयोग सावधानीपूर्वक करना पड़ता है। छिड़काव करते समय उन्हें मुंह पर कपड़ा, नाक को और मुंह को कपड़े से ढककर रखना होता है, जैसा कि यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है। ये सावधानी से दूरी से क्या कर रहा है? फुहारे की सहायता से उसको उस जल को जिसमें खरपतवार नाशी मिला हुआ है उसे स्प्रे कर रहा है। और देखो मुंह पर किस प्रकार से उसने कपड़ा बांध रखा है, नाक और मुंह को पूरी तरह से ढक रखा है, क्योंकि इससे किसान को क्या हो सकता है? नुकसान भी हो सकता है, उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ सकता है। अब हम पढ़ेंगे कटाई। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। आखिरी जो कटाई का कार्य, जब फसल पूरी तरह से उगकर तैयार हो जाती है खेतों में, तो सबसे आखिरी कार्य क्या होता है? फसल की कटाई करना, जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। फसल पक जाने के बाद उससे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के भी दौरान पौधों को खींच कर उखाड़ लेते हैं अथवा धरातल के पास से काट लेते हैं। एक अनाज फसल को पकने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। हमारे देश में दराती की सहायता से, ये दराती है, इसको दराती कहा जाता है, इस प्रकार के औजार को आप सबने देखा ही होगा, तो इसकी सहायता से क्या करते हैं? फसलों को काटते हैं। अथवा एक मशीन का उपयोग होता है जिसको बोलते हैं हार्वेस्टर। ज़्यादातर आजकल जो फसलों की कटाई है वो इसी के द्वारा की जाती है।
काटी गई फसलों से बीजों दानों को भूसे से अलग करना होता है, इसे थ्रेशिंग कहते हैं। और थ्रेशिंग की सहायता से फिर बीजों को मतलब दानों को और भूसे को अलग किया जाता है। इसके द्वारा देखो ये मशीन क्या है, कंबाइन है। हार्वेस्टर जो वास्तव में हार्वेस्टर और थ्रेशर का संयुक्त रूप है। कंबाइन किसका रूप है, हार्वेस्टर और थ्रेशर का। छोटे खेत वाले किसान अनाज के दोनों को फटक कर विनोइंग इस तरह से होता है, ये फटकने वाली मशीन है। देखो भूसा अलग हो रहा है, गेहूँ अलग गिर रहा है, भूसा क्या अलग जा रहा है। आप इस विषय में छठी में पढ़ ही चुके हैं। अब आता है भंडारण। उत्पादन का भंडारण एक महत्वपूर्ण कार्य। अब फसल तो कट गई, भूसा अलग हो गया, बीज अलग हो गए यानी अनाज अलग हो गया। अब अनाज का भंडारण किस प्रकार से करते हैं। यदि फसल के दानों को अधिक समय तक रखना हो तो उन्हें हमें किससे बचाना होगा, नमी से, कीट से, चूहों से और सूक्ष्म जीवों से, ताकि वो फसल मतलब जो हमारा अनाज है वो खराब ना हो। ताज़ा फसल में नमी की मात्रा अधिक होती है। यदि फसल के दानों यानी बीजों को सुखाए बिना भंडारित किया गया तो उनके खराब होने की ज़्यादा संभावना रहती है। यानी जैसे फसल के दाने जो निकाल लिए गए हैं उनको थोड़ी देर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, भंडारण करने से पहले उसको सुखाना पड़ता है। जीवों द्वारा आक्रमण से वे अंकुरण के लिए अनुपयोगी हो जाते हैं, उसमें जीव क्या होते हैं लग जाते हैं, जिससे फसल वो जो अनाज है वो क्या होता है, खराब हो जाता है। भंडारण से पहले बीजों को धूप में सुखाना आवश्यक होता है दानों को, जिससे उनकी नमी में कमी आ जाए, उनकी कीट पीड़कों जीवाणु और कवक से सुरक्षा हो जाती है। इस प्रकार से किसान अपनी फसल उत्पादन का भंडारण जूट के बोरों धातु के बड़े पात्र में करता है, परंतु बीजों का बड़े पैमानों का भंडारण साइलो और भंडार गृह में भी किया जाता है। अलग अलग भंडार गृह बनाए जाते हैं जिसमें इन दानों को रखा जाता है, जिससे कि उनको सुरक्षित रख सकते हैं। इस तरह से ये देखो अनाज भंडारण हेतु साइलो है, इसमें अनाज को भंडारित किया जाता है इस प्रकार से। और ये भंडारण गृह है जहाँ पर बोरों में, जूट के बोरों में अनाज को इकट्ठा करके रखा जाता है। नीम की सूखी पत्तियां घरों में अनाज के भंडारण में उपयोग की जाती है। जब हम अपने घर में अनाज को लाते हैं तो हम भी क्या करते हैं, उनको किसी बर्तन में, बड़े बर्तन में रखते हैं या बड़े पात्र में रख कर उसमें क्या डाल देते हैं, नीम की सूखी पत्तियां डालते हैं। बड़े भंडारण गृहों में अनाज को पीड़कों और सूक्ष्म जीवों से सुरक्षित रखने के लिए कई बार क्या किया जाता है, रासायनिक उपचार भी किया जाता है, दवाइयों का प्रयोग भी किया जाता है। यहाँ पर एक सारणी दी है जिसमें आपको क्या करना है, जंतुओं से जो भोजन मिलता है उनकी सूची बनाना है। जैसे दूध उदाहरण के लिए यहाँ दिया है, खाद्य पदार्थ क्या है, दूध। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि दूध हमें किससे प्राप्त होता है, गाय, भैंस, बकरी, ऊंटनी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तीन पॉइंट और दिए हैं, इसमें आपको तीन कोई से भी खाद्य पदार्थ लिखना है और उनका स्रोत लिखना है कि वो कौन से जीव से, कौन से जंतुओं से प्राप्त होते हैं। पौधों की तरह ही जंतु हमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्रदान करते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग मछली का मुख्य आहार के रूप में प्रयोग करते हैं, उसे खाते हैं। पौधों के बारे में और खाद्य पदार्थों के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं और हमने फसल उत्पादन के विभिन्न चरण देखे, बीजों का चयन, बुआई आदि। तो घरों में फार्म पर पालने वाले पालतू पशुओं को उचित भोजन, आवास की देखभाल की आवश्यकता होती है और इसी जब ये बड़े पैमाने पर ये कार्य किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, पशु पालन किया जाता है। तो ये वाला जो कार्य है वो आप करेंगे अपनी फेयर कॉपी में।